हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक हैंडबैग लेकर आई हूँ और उसके लिए हमें सामान चाहिए। 24 इंच बाई 14 इंच के 2 पीस क्विल्टेड, 11 बाई 8 इंच का 1 पीस क्विल्टेड, 16 बाई 4 इंच का 1 पीस क्विल्टेड, 28 इंच बाई 18 इंच के 3 पीस लाइनिंग के, 9 इंच बाई 14 इंच का 1 पीस लाइनिंग बेल्ट, 25 इंच की 2 जिप, 16 इंच की 2 और एक जिप चाहिए हमें 8 इंच की 1 पीस, रनर हमें 3 चाहिए और थोड़ी सी लेस चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम बेल्ट से शुरुआत करते हैं। तो जो बेल्ट है हमारी 25 इंच की, वो इस तरह से तैयार होगी और इस तरह से हम लाइनिंग का ही कपड़ा लेंगे और ये करीब 3 इंच इसकी चौड़ाई है और ये 25 इंच का पूरा पीस है। लाइनिंग का कपड़ा हम, ये 3 है तो ये 6 लेंगे और इसको हम पूरा डबल करेंगे, इस तरह से डबल करेंगे, डबल करके और फिर इसके अंदर जितनी चौड़ी हमें पट्टी चाहिए उतनी बना करके और इसके अंदर हम बीचों बीच में रख के और इस तरह से डबल करेंगे और जैसे कि बेल्ट बनाई जाती है इस तरह से हम चौड़ी बेल्ट बना लेंगे। साइड में हम एक एक मशीन और चला देंगे। बेल्ट तैयार हो गई है। इसके बाद हम क्विल्टेड पीस लेंगे। ये क्विल्ट मैंने कुछ इस तरह से किया है क्योंकि इस बैग की डिज़ाइन कुछ ऐसी बनेगी, तो सिंपल इसमें इस तरह से लहरदार क्विल्ट किया है। अब इसमें हम जो हमारा ये नीचे का 24 इंच का जो एरिया है इस पर हम 2 इंच अपर जा करके यहाँ पर लेस लगाएंगे और ये लेस मैंने कुछ इस तरह से ली है और इसको हम कुछ इस तरह से तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये तैयार होगा। तो ये जहाँ से शुरुआत की है ये टॉप है, ये हमारा बॉटम है। अब इसमें हम ये लेस लगा देंगे।
इसमें अब हम यहाँ पर 4 इंच का एरिया छोड़ देंगे। यहाँ से 4 इंच करीब छोड़ करके और हमें निशान लगाना है इस तरह से। ये हमारा 4 इंच है और ये हमारा 4 इंच है। अब इसको ले करके ये 8 इंच हमारा हो गया और इसमें बीच में फ्रिल इतनी डालनी है कि ये हमारा पूरा 16 एरिया हो जाए। तो इसके लिए हम इसमें सेंटर निकालेंगे और दो प्लेट यहाँ पर डालेंगे इस तरह से। एक प्लेट सेंटर पर, फिर सेंटर पर बगल में 2 प्लेट। ये हमारा कुछ इस तरह से पीस तैयार हो गया। ये हमारा 16 इंच का एरिया निकल रहा है। तो ये हमारे 2 पीस तैयार हो गए हैं। अब हम लाइनिंग लेंगे इस तरह से। जो हमारे पास 28 इंच बाई 18 इंच की जो लाइनिंग है उसको लेंगे, उसका हम सेंटर निकालेंगे इस तरह से। ये हमने सेंटर निकाला है इसका और सेंटर पर यहाँ पर हमने ज़िप का निशान डाला है और इसमें अब हम ज़िप लगाएंगे। ज़िप लगाने के लिए इसको हम पहले कट करेंगे इस तरह से, मोड़ेंगे हाफ एंड हाफ। और इस तरह से कट कर लेंगे। कट करने के बाद ज़िप लगा देंगे। और इसमें पहले रनर डाल देंगे। ये हमारा रनर पड़ गया और इसको अब हम नीचे रखेंगे। ये हमको लाइनिंग में से हल्का हल्का दिखाई देता रहेगा और ये अपनी जगह से हिले नहीं, इसके लिए हम यहाँ पर पिन लगा देंगे तो हमको ये लगाने में आसानी हो जाएगी। और एक यहाँ पीछे इस तरह से। और अब हम इसको इसके नीचे रखेंगे। जो यहाँ पर हमने कॉर्नर काटा था उसको अंदर करेंगे, सारे कपड़े अंदर करते हुए। और इसमें अब हम मशीन चला देंगे, पिन निकालते जाएंगे, एक एक पिन निकालेंगे और ये आसानी से जुड़ जाएगा। ये देखिए कितनी आसानी से ये हमारी ज़िप यहाँ पर लग गई। ये हमारी एक अंदर की स्मॉल पॉकेट तैयार हो गई है। अब इसमें जो हमारे पास 9x14 इंच का कपड़ा था इसको हम इसके बैक साइड में रखेंगे यहाँ पर और इसके ऊपर इसको कवर कर देंगे।
अब हम इसमें लाइनिंग और जिप लगाएंगे। तो सबसे पहले हम पॉकेट वाला पीस लेते हैं जो हमने पॉकेट तैयार की थी, और ये जो पूरा क्विल्ट है इसमें एक साइड में हम ये हम अपनी पॉकेट वाली पीस लगा देंगे, और इसको हमें उल्टा लगाना है, सेंटर से सेंटर, सॉरी सीधा लगाना है। इसका हम सेंटर निकाल लेते हैं इस तरह से, ये हमने सेंटर निकाला, इसका सेंटर हमने निकाल रखा है, और इसको हम इस तरह से लगा देंगे। जिप हमारी इधर होनी चाहिए अंदर की तरफ, और इसको हम जोड़ देंगे। हम इसको काटेंगे इस तरह से, ये हमने काट लिया। अब इसको हम किनारे रख देते हैं। अब इसमें हम पहले क्विल्ट रखेंगे, फिर जिप रखेंगे, और फिर एक लाइनिंग का पीस रख देंगे इस तरह से। इसका भी हमने सेंटर निकाला है, सब सेंटर से सेंटर ही जोड़ करके काम होगा। इसका भी सेंटर निकाल लेते हैं, ये हमारा सेंटर आ रहा है, और अब इसको हम जोड़ देंगे। ये पीस हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा, और अब इसको हम यहां से कट करेंगे। ये हमने कट कर दिए, और अब इसमें हम इस तरफ से जिप रखेंगे, ये जिप रखा, और ये हमारा सेंटर है, जिप उल्टी रखेंगे, और फिर एक लाइनिंग जो हमारी तीसरी है। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि मैंने तीन लाइनिंग बताई थी, हमें चार लाइनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और इसका भी हम सेंटर निकाल के मिला लेते हैं, और इसको जोड़ देते हैं। ये हमारा सेंटर आ गया। पीस कुछ इस तरह से तैयार हो गया। तो इसमें ये जो इधर पॉकेट हमारी लगेंगी, इसमें जो ये जोड़ है ये दिखाई नहीं देगा, और अब इसमें मैं ये लाइनिंग वाला जोड़ूंगी इस तरह से, इधर से इसको सीधा कर लेते हैं। ये हमारा सीधा हो गया तरह से,
एक पीस में हम इसको जोड़ देंगे इस तरह से। अब ये जो साइड की जिप है इसमें हम इस पीस को जोड़ देंगे, तो इससे हमारी जो दोनों पॉकेट हैं वो एकदम सेपरेट सेपरेट तैयार होंगी। बड़े बैग में होता क्या है कि जब बीच में एक सिंगल पार्टीशन डाला जाता है तो वो जो सामान हम अंदर रखते हैं उनकी आपस की टकराहट से वो फटते जल्दी हैं। और इसमें यहाँ पर हम फिनिशिंग दे देंगे। ये देखिए ये हमारी ये पॉकेट एकदम सेपरेट हो जाएगी। और ये हमारी पॉकेट कुछ इस तरह से जुड़ गई है। जब हम इसको मेन पार्ट में जोड़ेंगे तो ये जो सिलाई है ये भी हमारी अंदर चली जाएगी। अब इसमें हम हमारा जो चौथी लाइनिंग है उसको जोड़ेंगे। ये हमारी चौथी लाइनिंग है, इसका भी हम सेंटर निकाल लेंगे इस तरह से, और इसको भी हम जो ये हमारा चौथा पार्ट है इसमें हम जोड़ देंगे। और अब इसको हम इसके साथ जोड़ेंगे इस तरह से। पहले इसको हम जोड़ लेंगे जो हमारा तीसरा क्विल्टेड पार्ट है। पर हम फिनिशिंग देंगे। जो हमने इस तरह का पार्ट यहाँ जोड़ा था उसमें भी हमें फिनिशिंग देनी होगी। तो ये अलग कर लेते हैं इसको। इसमें हम फिनिशिंग दे देते हैं। फिनिशिंग देने से जो उसकी चौड़ाई बढ़ रही है वो कंप्लीट हो जाएगी और सीधा कपड़ा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमें जो हमारा 4 इंच का जो क्विल्टेड पीस था उसकी चौड़ाई हम जिप से बढ़ा रहे हैं क्योंकि वो डिज़ाइन का एक पार्ट है। नीचे की लाइनिंग हटाते हुए इसको कंप्लीट सिल देना है। अब ये हमारा बीच का कंप्लीट है। अब ये जो लास्ट वाला जो हमने लगाया था पीस इसमें हम ये अपनी लाइनिंग लगा देंगे। इसका सेंटर निकालते हैं।
अब सेंटर से सेंटर मिला के इसको सिल देंगे इस तरह से। और पॉकेट भी हमें सारी सेपरेट मिल गई हैं। अब इसमें हम रनर डालेंगे। ये हमारे पीस तैयार हो गया। अब इसको हम जो हमारा ये साइड में चारों पीस हैं दो दो करके सिलेंगे, जो दो एक साथ के पीस हैं उनको सिलेंगे, जो दो एक साथ के पीस हैं उनको सिलेंगे, क्योंकि हमें पॉकेट यहाँ पर सेपरेट बनानी है। अब हम जो हमारे मेन पार्ट हैं बैक के, उसमें हम उसकी तैयारी करेंगे और दोनों के सेंटर निकाल लेंगे। इस तरह से हमने ये सेंटर निकाल लिए हैं यहाँ पर, और 8x11 का जो पीस था उसमें भी हमने सारे सेंटर इस तरह से निकाल लिए हैं। अब ये जो हमारा मेन पीस है इसको पहले हम दोनों साइड से जोड़ देंगे, जो 14 इंच वाला एरिया है उसको हम जोड़ देंगे। दोनों 14 इंच के लिए हम जोड़ देंगे। और यहाँ पर जो हमने 4 इंच पर निशान लगाया था वहाँ पर हम बेल्ट लगा देंगे। बेल्ट सिंपल तरीके से लगानी है, बस 4 इंच पर निशान रखना है, बेल्ट रखना है 4 इंच के निशान पर, और इसको यहाँ पर डबल मशीन चला देंगे। दूसरे साइड पर भी जो 4 इंच का निशान है वहाँ पर आ जाएंगे। और ये बेल्ट लगा देंगे। इसी तरह से दूसरी साइड में भी जो 4 इंच का हमने निशान डाला था शुरू में प्लेट डालने से पहले, उस पर निशान उस पर बेल्ट लगा देंगे। ये हमारी बेल्ट लग गई है, बेल्ट बाहर ही रहने दीजिए। अब ये जो हमने बॉटम में सेंटर निकाला था और ये सेंटर और ये जो 11 इंच का इसमें बॉटम का पीस है इसका सेंटर मिला के अब इसको हम जोड़ देंगे। तो पहले हम दोनों जो 11 इंच के जो पीस हैं उनको जोड़ेंगे, अभी 8 इंच का एरिया हमें नहीं जोड़ना है। ये जो दूसरा 8 इंच का एरिया है इसको जोड़ देंगे सेंटर से सेंटर मिला के, 11 इंच का एरिया। अब
अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये जो पीस हमारा बढ़ेगा इसमें हमें यहाँ पर एक एक प्लेट्स यहाँ पर देनी होगी, क्योंकि कुछ प्लेट हमने यहाँ दी हैं इस साइड में ऊपर, और इस बैक का डिज़ाइन यही है, और इसका जो सेंटर है इसको मिलाएंगे यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस आ रहा है, तो इसको हम यहाँ पर एक एक प्लेट दोनों तरफ दे देंगे। इसको इस तरह से रख लेते हैं और सेंटर को सेंटर से मिलाते हैं और एक एक प्लेट हम दे देते हैं इस तरह से। अब इसमें भी हमें वही करना है, दूसरे साइड में सेंटर से सेंटर पहले हम मिलाएंगे यहाँ पर, ज़्यादा दिक्कत हो तो पिन का सहारा लिया जा सकता है और फिर आराम से हम काम कर सकते हैं। यहाँ पर एक प्लेट डालेंगे, पूरा पीछे करने के बाद इसको बराबर से रख के पहले इस पर हम मशीन चला के इसको लॉक करेंगे। और जो भी थोड़ा ऊपर नीचे है इसको बराबर काट हटा दें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भी 16 है, इसको मैंने बढ़ा दिया, और ये भी 16 है, इसको भी मैंने इतना ही रखा है। तो अब हमें करना क्या है कि यहाँ पर ये जो हमने बीच में जॉइंट दिया था इसको हम थोड़ा सा खोलेंगे। वो मैंने आपको शेप दिखाने के लिए पूरा जोड़ा था, इसलिए यहाँ पर मैंने डबल मशीन नहीं चलाई है। इसको हम थोड़ा यहाँ पर कट करके सिलाई से खोल देंगे इस तरह। दोनों साइड की हम खोल देंगे, खोल दिया। और अब हम जो एक जिप लेंगे इसको खोल देंगे और इसके अंदर ये पूरा बैग सीधा सीधा पास कर देंगे। ये हमने पूरा पास कर दिया, हैंडल पर ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमने खोला है ये और ये जिप और ये जो बीच का हिस्सा है, तो जो बीच वाला जो हमारा क्विल्टर पीस है उसमें भी हम बीच में सेंटर का निशान लगाएंगे, और ये जो हमारा खुला वाला हिस्सा है इसको हम ध्यान से देखिएगा कि ये जो हमने अभी खोला है वो इसके किनारे से मिलाएंगे यहाँ और यहाँ, इसको इस तरह से सिलना है। ये हमारा बैग वाला पार्ट है, ये हमारा लाइनिंग वाला पार्ट है, ये हमने उधेड़ा है, और अब इन दोनों को मिला करके हम यहाँ से इसको इस तरह से सिलेंगे और इधर से इसको एक जिप हमारी इधर आएगी, एक जिप हमारी इधर आएगी, इस तरह से हमें इसको सिलना है। और यहाँ पर भी हम पिन का सहारा लेंगे
पिन लगा दें और अब इसको हम जोड़ देंगे। इसी तरह से हमें दूसरे साइड भी जोड़ना होगा जो हमने खोला था, ये वाला पीस हमने खोला था, और इसको भी हम यहाँ पर सेंटर में लाएंगे इस तरह से और इसको जोड़ देंगे। इस तरह से इसको जोड़ देना है। जहाँ पर हमने बैग उधेड़ा था और सेंटर में जोड़ रहे हैं वहाँ पर डबल मशीन चलानी है। हमारा दूसरा एरिया आ गया। अब हमारे दोनों किनारे जुड़ चुके हैं। अब फाइनली हमें ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको बंद करना है। अब इसमें भी अगर कहीं थोड़ा बहुत घटत बढ़त होती है तो उसमें हम प्लेट्स डाल सकते हैं, ये देखिए इस तरह से है, और इसको अब हम जोड़ देंगे। पहले सेंटर से सेंटर ज़रूर लगा दीजिए जिससे कि अगर कुछ बढ़ रहा है तो वो हमारा जा कर के प्लेट में मर्ज हो जाए। ये हमने सेंटर का निशान डाल दिया है इसमें। और एक सेंटर यहाँ निशान लगा है और इसका सेंटर हमारा ये है। इस तरह से हम अब ये दूसरी तरफ का जोड़ेंगे हम, इसमें भी सेंटर से सेंटर मिलाना है। लाइनिंग अंदर रखिए, सेंटर से सेंटर, ये हमारा सेंटर है, इसमें हम पिन लगा देते हैं। पिन लग गया और अब यहाँ से लग के हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। कहीं भी अलग से प्लेट्स नहीं डालनी पड़ी, एकदम परफेक्ट बैग बना है।
किसी एक पॉकेट के अंदर से निकालेंगे। इसकी हमें जिप खोलनी होगी और पूरा बैग हमारा बाहर आ जाएगा इस तरह से। ये देखिए पूरा बैग बाहर आ गया है, बैग हमारी वापस आ गई है। और अब ये जो हमारी पॉकेट है, इस पॉकेट को हमें अलग से बाहर निकालना होगा क्योंकि हमने सेपरेट बनाई थी, और दोनों को हम अलग अलग सिल देंगे। अब इसके हम जो बॉटम है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जब ये कंप्लीट होके अंदर चला जाएगा उसके बाद ही बैग का सही शेप मैं आपको दिखाऊंगा। और हमने जो बैग बनाया वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन होके निकल के आया है। ये देखिए इसमें हमें दो पॉकेट इस तरह से, ये मिनिमम वन पॉकेट, टू पॉकेट और ये हमारी थ्री पॉकेट। इसका जो ऊपर का हिस्सा है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा और ये पूरे बैग का शेप इस तरह से रहेगा। बॉटम इसका रेक्टेंगुलर शेप में है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदिनी फिर कुछ नया लेके मिलेगी। नमस्कार।